शहर के छावनी रोड स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमवार को एक अजगर सांप आ गया। सोमवार का दिन होने के चलते मंदिर में सांप का आना लोगों में कौतूहल का विषय बन गया। शिव मंदिर में सांप के आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उसके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। सभी ने इसे भोलेनाथ का चमत्कार बताते हुए अजगर के दर्शन किए। मंदिर पुजारी हेमराज शर्मा के अनुसार सोमवार को काशी विश्वनाथ का आकर्षक श्रृंगार कर शाम को आरती उतारी गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पुजारी शर्मा ने बताया कि पूजा अर्चना तथा आरती के बाद मंदिर में एक अजगर सांप आ गया और शिवलिंग के आसपास घूमने लगा। मंदिर में अजगर सांप के दिखाई देने की खबर लगते ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में लग गया। सभी ने उसके दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आम सूचना, व्यावसायिक भूखंडों को भव्य नीलामी से क्रय करने का सुनहरा मौका। नगर परिषद ब्यावर द्वारा समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना के निम्नलिखित भूखंडों को ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किया जाएगा। नाम योजना व आरक्षित दर, ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना आरक्षित दर 7,242 रुपए प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भूखंड संख्या 24 से 28, क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 9 मीटर बराबर 40.5 वर्ग मीटर, प्रारंभिक बोली 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अमानत राशि 30,000 रुपये। अतः जो भी व्यक्ति उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं वो पोर्टल जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कर ऑनलाइन अमानत की राशि जमा करवा कर ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार की जाएगी। ई नीलामी की शर्तें पोर्टल पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पोर्टल पर देखी जा सकती है। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर।